टॉपिक है कि किस तरीके से सबटाइटल डालें एड ऑन बाय डिफॉल्ट इनसाइड Adobe Premiere Pro, ठीक है। तो जो भी 2022-23 के वर्जन है उसमें नहीं है, शायद 2024 से लेके 25 के अंदर है, लेकिन 25 में और भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से उसको इंक्लूड किया गया और बहुत ही इम्प्रोवाइज किया गया है उसमें, ठीक है। तो देख सकते हैं एक टाइमलाइन है, मैंने बाय डिफॉल्ट दिया था, तो ये एक टाइमलाइन है। सपोज अब देखिए ग्राफिक्स या फिर टैक्टिक्स को किस तरीके से ऐड डाले, हम लोग को ऑब्वियसली टेक्स्ट बोले तो ग्राफिक्स टाइप में ही जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हो विंडो पे, उससे पहले भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे विंडो पे जाता हूँ और किस स्पेस पे लेके यहाँ से आपको दिखेगा कैप्शंस एंड ग्राफिक्स। कैप्शन एंड ग्राफिक्स मतलब एक पैनल ही हो जाता है, अलग एडिटिंग मोड आ जाता है जहाँ पे हम लोग ओनली प्ले विथ ही टेक्स्ट के साथ प्ले कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हम लोग के पास विंडो ओपन होके आ जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऑप्शन दिख रहा है ग्राफिक्स एंड कैप्शंस एंड ट्रांसक्रिप्ट। तो ये तीन ऑप्शन को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एंड द राइट साइड ऑफ प्रॉपर्टी पैनल को भी एक्सप्लोर करेंगे, ओके। तो अब मैं एक चीज क्विकली दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से हम लोग को ये चीज सेलेक्ट करना। मैं फर्स्ट टाइमलाइन को सेलेक्ट करता हूँ एंड मैं ट्रांसक्रिप्ट में जाता हूँ, ओके। ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है कि ये वीडियो को पूरा एनालाइज करता है, ओके। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक कुछ अननोन दिया है, बट फैक्ट इज कि ये आपको एनालाइज करके देगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम लोग को जानना जरूरी है कि ये तीन ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट, कैप्शंस और ग्राफिक्स, ठीक है। मैं कैप्शन पे आ रहा हूँ, तो चाहे तो आप यहाँ से भी ये जो भी हम लोग का ऑडियो है उसको अप एंड डाउन कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैप्शन पे जाता हूँ, ओके। मेक श्योर आप ऑल टाइमलाइन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कैप्शन में जा रहा हूँ, ओके। बेसिकली एक स्टोरी टाइप में बनाया गया है इस चीज़ को, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रीव्यू प्लेबैक थोड़ा सा स्मूथ नहीं दिखेगा, ओके। अब जैसे ही यहाँ पे मैं इस चीज़ को यहाँ पे देख रहे हो आप, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हो आपको थ्री डॉट ऑप्शन दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक ट्रांसक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, कैप्शन सॉरी ग्राफिक में आगे कैप्शन में जाना है। अब एक ट्रांसक्राइब में गया कि क्यों बताया कि ट्रांसक्राइब में क्या होता है कि जो भी ट्रांसलेट होता है उस चीज को टेक्स्ट में वहाँ पे दिखाया जाता है, और देखिए नो कैप्शन अवेलेबल। अब इस चीज को क्या करना है, क्रिएट कैप्शन फ्रॉम ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब क्या होता है, एक वॉइस जैसा फॉर्मेट होता है, उसको वो वर्ड में कन्वर्ट करता है। मैं न्यू क्रिएट करता हूँ, ठीक है, कैप्शन फ्रॉम द ट्रांसक्राइब बोला है, बट द क्रिएट न्यू कैप्शन ट्रैक, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक न्यू ट्रैक आ जाएगा हम लोग के पास इस तरीके का। मैं इसमें लिख रहा हूँ सॉफ्ट टाइटल एंड बाई डिफॉल्ट स्टाइल इज नन रख देते हैं, उसका मैं बताऊंगा। स्ट्रीम बोला है, स्ट्रीम नहीं सेलेक्ट करना है, ओके ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारे पास अलग से सॉफ्ट टाइटल आ चुका है। अब इसमें प्लस आइकन क्लिक करेंगे, ओके। तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से मैनुअल ऑप्शन आता है, ठीक है। ये था मैनुअली, अब ऑटो में हम लोग किस तरीके से करेंगे, मैं इसको डिलीट कर ट्रांसक्राइब में जाएंगे अगेन। तो यहाँ पे दिख रहा है किस तरीके का, यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। कैप्शन में जाते हैं, मैं यहाँ पे मेक श्योर इसको लेयर को सेलेक्ट करना होगा, ओके। सबटाइटल कैप्शन लाइन, ओके, ठीक है, क्रिएट कर देता हूँ। थोड़ा सा ये एनालाइज करेगा व्हाट्सएप इस तरीके का, देख इस तरीके से एक कैप्शन आएगा, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं अगर जूम कर रहा हूँ तो। और एक और फीचर है अभी बता देता हूँ कि हम लोग इस तरीके से कर्सर से भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में करते थे। ये फीचर बहुत ही अच्छा लगा मेरे को भी, और आप यहां से भी इसको अप एंड डाउन ये कर सकते हैं, और यहां से सीधा फीड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक आइकॉन ये आता है, ठीक है। तो ये अपडेट्स है, अब इसको मॉडिफिकेशन फर्स्ट हमारे पॉइंट में जाते हैं, तो मैं यहां पे जाता हूं। अब टेक्स्ट को किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करें, ग्राफिक्स, अब ग्राफिक्स में आते हैं। इस तरीके का आपको ये चीज़ यूज करना है, ग्राफिक्स जैसे कि हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं उस तरीके का जो ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, बट ग्राफिक टाइप में मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो टेक्स्ट लिखा है उसका पीछे कुछ बैकग्राउंड आया लाइक कि वाइट और टेक्स्ट ब्लैक हो, इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पे अब राइट साइड पे आते हैं, तीनों बार का यूज हम लोग को पता चल गया कि क्या करना है। और यहाँ पे देखते हैं, अब इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे दो तीन टूल है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रैक मतलब ट्रैक आपको पता ही है कि ट्रैकिंग स्टाइल की कितना फॉन्ट का स्पेसिंग रहना चाहिए, और टेक्स्ट मतलब टेक्स आपको पता है कि किस तरीके से टेक्स चेंज करते हैं, जो नॉर्मल था पहले जैसा ही वही है। जस्ट एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है यहाँ तक मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट एंड ट्रांसफॉर्म। अगर मैं इसको टॉप में करता हूँ टॉप में जाता है, राइट में करता हूँ राइट में, लेफ्ट में करता हूँ लेफ्ट में, और सेंटर में करूँगा तो ये सेंटर में होगा। एंड इनफैक्ट यहाँ से भी आप इसका प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, देख सकते हैं यहाँ से भी। तो अगेन ये चीज़ बहुत ही यूजफुल है। और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, अब देखिए
यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियसली जो भी प्रीमियर प्रो में चेंज करते थे, फिल स्टॉक्स इस तरीके का एड ऑन कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे इस चीज में जाता हूँ, सीसी में। सो जैसा देख सकते हैं, हम लोगों ने जैसा डिफॉल्ट किया था उसी तरीके का रहता है। आपको जैसे पता है कि बैकग्राउंड अगर आप सेट करते हो तो अगेन कि वहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है बैकग्राउंड को, ठीक है। तो अगर जैसे मैं प्ले करता हूँ तो ये बैकग्राउंड सेट हो चुका है, बट कि मैं बैकग्राउंड का कलर अभी दूसरा रखना चाह रहा हूँ, वाइट। ओके, ये है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि हमारा ये इस तरीके का एक अपडेट आया था, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही अच्छा फीचर है, जैसे कि सेंटर में रख सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट ऐड ऑन करना स्क्रीन पे, तो ये बहुत ही यूजफुल है। मतलब आप इसको बहुत ही अमेजिंग तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए इसको मैं नीचे कर देता हूँ, तो ये टूल था अपडेट्स। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो।